नमस्कार देवियों सज्जनों, आपका स्वागत है एक और बार कौन बनेगा माउंट ऑफ खिलाड़ी के अगले एपिसोड में। आप सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति। टेम्पररीली हॉल्ट पर डाल दिया है, तो तब तक मैं इस चैनल को कंट्रोल करूँगा। और आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ इतनी अजीब क्यों, क्योंकि मैं एक फ़ोन का माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मेरी आवाज़ अलग अजीब हो जाती है। तो चलिए शुरू कर दे। एक मिनट, अमिताभ बच्चन जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर एक चैनल बना हुआ था, तो मैंने सोचा इसका मैं काबू ले लूँ। पर ये मेरा चैनल है, मुझको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझको अपना चैनल नहीं बनाया तो मैंने आपको चैनल ले लिया। इसके लिए आपको KBC में मौका मिलेगा। मुझको नहीं चाहिए, आप चाहिए ऐसे नहीं। ए, थोड़ी, थोड़ा, थोड़ा, मैं इनकी मेहरबानी करता हूँ, थोड़ी सी मेहमान नवाजी, तब तक आप लोग ये एक मोंटाज एंजॉय करो।
मोंटा तो समझ में तो आ ही गया होगा मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ये मेरी रिकॉर्डिंग जो मैंने करी थी वॉइस की, क्योंकि पता होगा कि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ। अभी अब मुझको तरीका मिल गया कि कैसे करना है, तो वो सिंक नहीं बैठा क्योंकि मैं बार लैपटॉप पर एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि काइन मास्टर पर पता नहीं क्या हो गया झमेला, वो फाइल अपलोड नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं बस टूर दे रहा हूँ अपने डर्ट हट का, तो इसमें क्या पता नहीं जैसा है, टॉर्च तोड़ दी और क्या। और इससे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर लिया, ये मेरी बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग है। ये वॉइस ओवर मैं 12 मार्च को कर रहा हूँ, और मेरे पास लगभग सारे वो है वो टाइप्स एक्सेप्ट डार्क ओक और जंगल की सैपलिंग, बाकी सब मेरे पास। और ये है हमारा टॉल बर्च ट्री जिसको हम कभी नहीं काटने वाले हैं। ये एक मेडो बायो में देख ही लिया होगा, मैं इसी को ढूंढ रहा था पिछले एपिसोड में, मिली नहीं थी अब मिली है। तो रैबिट काफ़ी इधर और बहुत बड़ा सा मेडोज है, शायद मैं यही बता रहा था। वो बीहाइव भी देखा होगा, अभी बीहाइव मिलता ही है। इससे तो मैंने काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर लिया, उसको भी मैं लास्ट में अगर वीडियो टाइम रहा तो दिखाऊंगा। और ये देखो बहुत बड़ा है, मतलब प्लेन्स भी है बहुत, मतलब बड़ा है एकदम, क्या बोलूँ। और जो इनॉर्मस है ओमेगा है। तो अब इधर मैं क्या कर रहा हूँ, उछल कूद कर रहा हूँ, कुछ तो बता रहा था मैं, मुझको याद नहीं मैं क्या बता रहा था इधर। ओके तो यहाँ पर मैं बस शायद मेडोज का टूर ही दे रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स है ब्लू वाले, इनका मैं नाम भूल गया। शीप, इधर 3 टाइप के जानवर ही मिलते हैं, डोंकी शीप्स और रैबिट्स। और फिर अब मैं नीचे जा रहा हूँ, एक बढ़िया चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, अब याद है ये चीज़ मुझको याद है। आउच, दर्द हुआ उसको देखकर। इमेजेस डू मे डू हैव साउंड्स, यहाँ पर ब्लैक शीप और वो विलेज। यस, मैं उसको वो भाई गलती से मिल गया था, मैं अपना मैंने एक टेम्प्रेरी बेस सेटअप किया था मोन्टाज में, देखा होगा शुरू में सुपर टेम्प्रेरी बेस। उधर से मैं जब वापस सामान लेने जा रहा था अपना, तो मुझको यह रास्ते से वो विलेज मिल गया था। तो मैं बता रहा हूँ कि उस डायरेक्शन में, तो हाँ उस डायरेक्शन में ज़्यादा दूर नहीं विलेज से, मैं चल कर जा सकता हूँ। यानी कि हमारे पास जंगल टाइगर वगैरह का है, क्योंकि उधर ही मुझको एक ग्रोव बायोम मिली थी जिधर से मुझको स्प्रूस वुड मिला है। और यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि हाँ इसका रिवेंट पोर्टल है जो कि पहाड़ों के अंदर घुसा पड़ा है। ओके, मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ। और अब जो ये विलेजर्स है मैंने इनको बंद कर दिया इस वीडियो में, मैंने पूछा था बंद करूँ नहीं करूँ, फिर मैंने कर ही दिया है बाद में जाके। तो ये पहाड़ के अंदर घुसा हुआ था, काफ़ी अजीब सा पोर्टल था, और मैंने इसको आधा आधे से ज़्यादा तो वीडियो में ही माइन कर लिया था, पर फिर बाद में जाकर मैंने इसको ऑफलाइन भी माइन कर लिया। नेदरैक, मुझको अभी तक नहीं पता मैं क्यों माइन कर रहा था नेदर एग वगैरह सब कुछ। मैग्मा ब्लॉक ओके, बट आई डोंट नो वाई आई वॉज माइनिंग नेदर एग, पर ओके कर लिया मैंने। बिल्ड में काम आ सकता है एज स्ट्रक्चर ब्लॉक, मतलब स्ट्रक्चर बताने के लिए। आउच, लेदर बूट्स, हाँ मैं ये देख रहा था कि लेदर बूट्स अगर पावर्स ऊंचाई से गिरते हैं अपन, तो लेदर बूट्स डैमेज लेते, क्योंकि मैंने लेदर बूट्स बनाए थे ग्रो बायो में, वो था पाउडर स्नो, तो उसमें मैं सिंक हो रहा था। तो पहला आर्मर पीस मैंने ऑफलाइन बनाया, ये सस्ता ही आर्मर पीस है। ओह नो, पीछे से आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं क्या, कुछ तो चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ब्रूइंग स्टैंड उतारने की कोशिश करी, पर मुझको पता नहीं था स्टोन पिक से ले पाऊँगा क्या, मैं तो मैंने कोशिश नहीं करी आगे। और वो मैं पता नहीं क्या देख रहा था, दो नेटविट्स पहाड़ पर घूम रहे, विलेज से निकाल दिया उनको, कुछ काम वाम करते हैं नहीं, फालतू में खाना खाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं। ये आयरन गोलम, इसको मारना भी नहीं है। मेरा एक विलेज या तो डिस्पॉन हो गया या तो उसको कहीं भाग गया है वो, आ, आ, क्या नाम था, हाँ फिशरमैन भाग गया है शायद, या तो वो भाग गया है या तो वो डिस्पॉन हो गया। और यहाँ पर मैं दिखा रहा था कि यहाँ पर एक तो वो फ्लोटिंग क्लेरिक का घर है,
फ्लोटिंग चर्च कहते हैं उसको। हाँ, यहाँ पर एक लावा था जिससे मैंने लावा पकड़ लिया, तो उसकी वजह से कॉबल स्टोन है थोड़ा, और वो घर आधा जला हुआ है। और फ्लोटिंग मुझको दो घर मिले हैं इधर, पता नहीं क्यों। यहाँ पर एक केव है, तो यहाँ पर लावा था जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लूट कर रहा हूँ एप्पल्स, और मुझको वो तरीका नहीं आता है। हाँ, यहाँ पर मैंने कैसे किया, लेकिन रैंडमली किया था जितना मुझको याद है। हाँ, पोटैटो में नहीं हुआ ना। अब तो मैंने कर ली थोड़ी खेती वेती, उसको मैं मुझको लगता नहीं टाइम बचेगा, नहीं बच जाएगा अभी। नेदरराइट माइनिंग वगैरह जो है उसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड टाइम लैप्स किया हुआ, तो लास्ट में मैं दिखा दूंगा, तो लास्ट तक रहना। यहाँ पर एक फ्लोटिंग क्लेरिक हाउस, फ्लोटिंग चर्च, वहाँ पर खेत, बहुत माल चुराया इधर से मैंने। कंपोस्टर में चुराने तो वाला था पर चुराया नहीं मैंने, क्योंकि मुझको लगा वो जॉब खो देगा विलेजर, तो पड़े रहने दो। वो शुगर किन मुझको नहीं पता मैं अभी क्या क्या बोल रहा था इस टाइम पर, मैं उसको जो भी अभी मेरे दिमाग में आ रहा है बोलता जा रहा हूँ मैं। ओके, स्टोन स्टोन के साथ मैं क्या कर रहा था, क्लेरिक के घर में गए मैं। अच्छे, इधर चर्च में अनफॉर्चुनेटली चेस्ट नहीं मिलती है, जितना तो मेरा एक्सपीरियंस रहा उतना मैंने इस पर कुछ डीप डाइव वगैरह नहीं किया। डीप डाइव क्या करना है, सीधा गूगल पर जाओ ढूंढो यार, क्या है। मैं भी अरे हाँ भाई, ये मुझको बहुत परेशान करता है, स्टेयर और डोर का मिक्सचर। चलो निकला किसी तरह। यहाँ पर मैं दिखा था कि मैंने इसको कैद करके रखा हुआ है, पर फिर ये भाग गया था। इसको मैंने वापस कैद कर लिया, चिंता मत करो। यहाँ से घंटी, ऑब्वियसली। एक मिनट, क्या मैंने उठाई नहीं क्या वो, पता नहीं। और वापस ने शायद बेड असाइन हुआ उसको। यहाँ पर मैंने भी, यहाँ पर भी बंद करके रखा हुआ है मैंने लाइब्रेरियन को, तो मैं अंदर जाता हूँ उसको दिखाने। ओके, दिख गया तुम्हें। और मैं बुक शेल्फ नहीं तोड़ी है मैंने, क्योंकि जब सेल टच आएगा, सेल टच आएगा तो डायरेक्टली मैं उसको तोड़ दूँगा। ओ, मुझको लगा वो वहाँ से कूद गया था। यस, आई रिमेम्बर। तो फिर उसके लिए मैंने इधर ब्लॉक कर दिया था ताकि कूद ना पाए, और रात हो रही थी तो अर्ली गेम में, अर्ली गेम के मैं तो हमेशा जब से रात होती है ऐसे पैनिक होने लग जाती हूँ। और यहाँ पर मुझको उसको तोड़ना पड़ा था, पर मैंने वापस लगाया नहीं क्योंकि रात हो रही थी। मैं जल्दी से गया, उस चपलों को उठाया और सो गया। और फिर मुझको डर था कि लाइब्रेरियन भाग भाग तो नहीं गया, जो कि वो भाग गया था। और एक चीज़, लेक्टन का जो हिट बॉक्स होता है काफ़ी वियर्ड होता है, कभी देखना, बहुत ज़्यादा वियर्ड होता है। तो यहाँ पर मैं बस अपने विलेज को टूर दे रहा था, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा अच्छे से घूमा वगैरह नहीं था। अरे, फिशरमैन के बैरल में कभी कुछ नहीं मिलता। ओके, चेस्ट के अंदर बैरल और पानी के बकेट, थैंक यू। आयरन बच गया था। और यहाँ पर फिशरमैन मुझको उसके बाद मिला था क्या, मुझको अभी तो मेरा घूम गया फिशरमैन। पता नहीं किधर है, डिस्पॉन हो गया, जॉम्बी वगैरह तो नहीं खाए होंगे जितना मुझको पता है, क्योंकि मैं रात को स्किप कर देता हूँ। जब लाइब्रेरियन था मैंने इसको फंसाने की कोशिश नहीं करी। यहाँ पर एक स्टोन मेसन है, क्या स्टोन मेसन नहीं कहते शायद, उसको मैंने फंसा रखा है, इसको मैंने निकलने नहीं दिया। और अभी एक वन डॉट वन नाइन आने वाले, तो उसके बीटा में, बेडरॉक में
ओके यहाँ पर मैंने इन दोनों को फंसा लिया। मैं कह रहा था एल ए को ऐड किया है तो मोयंग वालों ने तो स्कैम कर दिया। बस मोयंग वालों ने क्या किया था, स्कैम। अपन लोग हो गए जिन्होंने एल ए को वोट किया। मैं तो कॉपर गोलम की तरफ था। एल ए क्या लग रहा था लोगों को कि एल ए को अगर आप डायमंड दोगे वो डायमंड डुप्लीकेट करके लाएगा। मेरे को पता था पहले ऐसा नहीं होने वाला है, पर ऐसा ही हुआ, नहीं हुआ वैसा। बट ये मैंने क्या बोला अभी, ओके तो मैं क्या था, जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। ले जो आप सामान फेंकते हो उसको लाता है, ना कि डुप्लीकेट मल्टीपल मल्टीप्लाई करता है। सो या कॉपर गोल्डन सुप्रीमेसी। ओके यहाँ पर क्या हुआ, व्हाट, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, मैं अटका हुआ क्यों पड़ा हूँ। ओके चला, पता नहीं क्या हुआ था। यहाँ पर हॉर्स को टेम करने की कोशिश करी। हॉर्स को शायद ऐसा कुछ होता है कि आपका हाथ खाली रहना चाहिए, क्योंकि कहीं पर तो देखा था मैंने कि हॉर्स को टेम करने के लिए आपका हाथ खाली रहना चाहिए। आपको कुछ ज़्यादा ही पुराना मैकेनिक है, या ऐसा कोई मैकेनिक है भी नहीं। आई डोंट नो, किसी को बताओ तो बताना भाई। अगर ऐसा मैकेनिक हो तो मैंने फील क्यों नहीं उतारी थी अपने से। ओके मैंने कोशिश ही छोड़ दी। आगे बढ़ो। इसके अंदर क्लरिक था क्या, पता नहीं, शायद था। फिर मैंने बाद में जाकर इस पर ऊपर चढ़कर भी इसको बंद कर दिया था बाद में। यहाँ पर कोई नहीं है तो मैंने बेड चुरा लिया, बिकॉज व्हाई नॉट। मेरे को यहाँ पर काम करना है, तो बार बार मैं इधर आने नहीं वाला था कि खुदाई, हाँ मैं खेती बोलने वाला था। हाँ तो मैं खुदाई करने से ओके मेरे मुंह में सेंटेंस नहीं आ रहे अभी, पता नहीं क्यों। ओके यहाँ से अब टाइम लैप्स शुरू होता है, काफ़ी बोरिंग सा टाइम लैप्स है। सो या मैं इधर क्या ही बोलूँ, इधर द टाइम लैप्स। वापस आ गया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। मैं वाप दिखाता हूँ क्या क्या करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर ओ बस क्या, मुझको लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक मैंने बिल्ड के लिए मार किया था, पर फिर मुझको लगा कि मैं अभी बिल्ड बना रहा हूँ नहीं। मैंने एक लाइक अपने स्टार्टर एरिया का थोड़ा लाइक मॉन्यूमेंट टाइप के लिए थोड़ा प्लान किया था नेदर एग से। तो आई भी लाइक अभी तो मैं बना रहा हूँ नहीं, क्योंकि मुझे क्वार्ट्स चाहिए इसके लिए। मैं क्वार्ट्स के बिना बनाने नहीं वाला। तो या मैं अब इसको तोड़ रहा हूँ और पछता रहा हूँ। मेरे को पता नहीं मैं ये कैमरा पर क्यों कर रहा हूँ, बट कर रहा हूँ। तो ये मैंने कोशिश तो करी कि एक कुछ ज़्यादा लंबा एपिसोड ना हो, पर शायद हो जाए। अगला मैं कोशिश करूँगा कि छोटा हो जाए। यहाँ पर मैंने थोड़ा लेट कर रखा है, पर यहाँ पर देखो हो,
एक और बी हाइव है मेरे पास, दो दो बी हाइव। यहाँ पे मैंने पूरा ट्री फार्म बना रखा है मैनुअल सा, स्प्रूस, बर्च, ओक, डार्क ओक मिला नहीं है और जंगल की सैपलिंग नहीं मिली है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर वो प्लेन्स आ गई काओ का, पास में प्लेन्स भी तो उधर से आ गई काओ, बस इधर मेडोज में स्पॉन नहीं होती है। यहाँ पर मैंने और कर रखी है थोड़ी बैम्बू की, शुगर केन, यहाँ पर वीट, बीट रूट, पोटैटो और कैरेट, और ये मेरा मेलन एंड पम्पकिन फार्म। और मेरी माइन भी लगा दूँ, उसमें भी मुझको बढ़िया चीज़ें मिली काफ़ी। ओके यहाँ पर भी मुझको तोड़ने का काम करना बाद में कर लूँगा। मैंने स्टोरेज को थोड़ा बढ़ाया है, मुझको याद है वीडियो में किया था कि मैंने, अब वो देखा होगा। गोल्ड ब्लॉक भी माइन कर लिया मैंने, आयरन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एक आयरन फार्म आराम से बन जाएगा अब एपिसोड 3 में, मेरे पास सब कुछ है और मेरे पास हेड्स भी है, सैल्मन हेड काम कर रहा था मॉड। ओके रात हो रही है क्या, मैं मेरा बेड अंदर लिया था, मेरे पास कर रखा नहीं थे, इनको पता नहीं मैं फालतू काम वीडियो के अंदर क्यों करता हूँ, पर करता हूँ, मत पूछो क्यों करता हूँ। ओके वो देखा क्या, तो अब मैं अपनी माइंड दिखाता हूँ, काफ़ी सिर भिड़ता है इधर, ग्रेवल वेरी अनोइंग, खाना नहीं लाया, कोई बात नहीं, इसको भी सही करूँगा मैं जल्दी। ओके यहाँ पर मैंने बेड लगाए थे पैच, इसके क्लॉक बनानी होगी मुझको क्योंकि मैं नाइट में काफ़ी पैनिक करता हूँ। यहाँ पर एक केव है नीचे, इसलिए मैंने थोड़ा सीधा पाथ खोदा है। अभी मैं बिना गेयर के, वैसे आयरन आवर बना तो लिया है मैंने शायद, पर फिर भी मैं जाना नहीं चाहता। यहाँ पर कोल है, मैंने उसको माइन नहीं किया है कि वहाँ पर भी बाद में करूँगा, अभी नहीं करना मुझे, कभी और करूँगा। और यहाँ पर ये दिखाना था मुझे एमराल्ड, आयरन पिक है मेरे पास नहीं है। सेकंड एपिसोड द चार्म, हाँ कि रात हुई है क्या, और मैंने इसको भी ऑन कर लिया था सबटाइटल्स को, देख सकते हो, क्योंकि मैं डिस्क नहीं लेना चाहता था। ओके हो गई रात, और एक काफ़ी अच्छा मैकेनिक 1.18 में कि मॉब्स को अब 0 लाइट लेवल चाहिए स्पॉन होने के लिए, विदाउट स्पॉनर्स के साथ शायद कोई लाइट में भी हो सकते हैं, अगर डीप स्लिट दिख रहा होगा। यहाँ पर मेरी माइनिंग है, ये भी दिखा दूँगा, पर पहले ये एरिया, यहाँ पर कुछ नहीं बस डीप स्लिट है। मुझको एक बहुत मस्त चीज़ मिली थी, वो दिखाता हूँ, ये जियोड, और ये मुझको मैं जब अपनी क्लास के पहले खेल रहा था ना, क्लास शुरू होने से पहले तब मिला था ये। और यहाँ पर एक एक्वाइपर भी है, मैंने ब्लॉक कर रखा है अभी क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉपर माइन किया था, भर भर के कॉपर है। ओके यहाँ पर टावर करना होगा अब, एग्जैक्टली सही डर थी, इसका भी फॉर्म बनेगा अब। और यहाँ पर फिर ऐसा कुछ खास था नहीं, गोल्ड, फिर इस वाली माइन में मुझको डायमंड वगैरह कुछ नहीं मिले, मैं
आयरन को के लिए ढूंढ रहा था बस, तो और माइंड में है नहीं। मैं आयरन ढूंढ रहा था क्योंकि तो मैं घूम गया हूँ। तो एक सेंटेंस पूरा कर लूँ मैं पहले। मैं आयरन ढूंढ रहा था, मुझको आयरन फार्म बनाना है जिसके लिए मुझे हॉपर चाहिए। तो अगले एपिसोड में मैं बनाऊंगा आयरन फार्म अगर बन जाए तो। एपिसोड 3 में आयरन फार्म। हर्मिट्स के अलावा कुछ हर्मिट्स के अलावा देखा ही है किसी से कि एपिसोड 3 में बना लिया हूँ? हाँ देखा है तो ज़रूर बताना। और विलेजर्स में इतना कुछ खास है नहीं, वो मैं दिखाने नहीं वाला क्योंकि मैंने बताया मैं इसको ओवर लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। सो ओह नो ओह नो अब जल्दी चल लो। कंट्रोल के दबाने से थोड़ा फर्क तो पड़ता है। सो नाउ मुझे बारिश हो गई। मैं सोता हूँ फिर भी बारिश हो जाती है। मैं दिखाता हूँ एक बार मैं कौन से डे पर हूँ, मेरे को खुद दिख जाए पहले। डे नंबर 33। ओ थंडर स्टॉर्म। सो जाओ फिर तो। ओके सो इस एपिसोड के लिए इतना ही। मैं भूल गया था फर्स्ट पर्सन कैसा करते हैं। तो बाय।